मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शादी महल गली के MTL कंपाउंड में एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। आग लगने के बाद कंपाउंड में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय कुछ युवकों ने धूल मिट्टी डालकर किसी तरह से इसे बुझाया। नगर सेवक जफर नुमानी ने इसकी जानकारी दमकल कर्मी और टोरेंट पावर कंपनी को दी। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मी और टोरेंट पावर ने गली में बिजली की आपूर्ति रोक दी। उस इलेक्ट्रिक बॉक्स के सभी वायर कनेक्शन काट दिए गए। इलेक्ट्रिक बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने से आलिया टावर में बिजली नहीं है। बॉक्स को जल्द ही ठीक करने की बात भी कही जा रही है। 6 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, 2 केबल शॉर्ट हो गए थे, हवा चल रही थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर कौन सी इमारत की लाइट? ये आलिया टावर है, इसकी लाइट पीछे शादी महल रोड ट्रांसफार्मर के जी तुरंत के हमने फ़ोन किया। जैसे हमको यहाँ से फ़ोन आया कि आग लग गई है मिनी पिलर में, यहाँ के लोगों मकामी लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, तो हमने फायर को भी फ़ोन किया और टोरेंट को फ़ोन किया, और टोरेंट बराबर टाइम पर दोनों गाड़ियाँ अपने अपने टाइम पर बराबर परफेक्ट टाइम पर आ गई। तो अभी बस काम चालू है, अब जो भी टाइम लगे आधा घंटे के अंदर इंशाल्लाह लाइट वापस से स्टैंड हो जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।